आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशयशीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहिच्छेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर, नानौता वाले। आप इतनी सुंदर हैं, आपको किसी फिल्मी दुनिया में होना चाहिए। आप इस घर में क्या कर रही हैं? और देखिए, अपने झूठी प्रशंसा के शब्द सुनकर जो अभी तक मना कर रही थी कुछ नहीं है घर में खाने को, वो बोली आ जा तुझे गरम गरम नाश्ता कराती हूँ। क्योंकि अपनी झूठी प्रशंसा के कारण लोग कुछ भी देने को तैयार होते हैं। और मैं कहती हूँ झूठी प्रशंसा नहीं, तुम्हारे रूप की प्रशंसा नहीं हो, तुम्हारे स्वरूप की प्रतिष्ठा हो उस दिन रूप की प्रशंसा। रूप की प्रशंसा अपने आप हो जाएगी, रूप का गुणगान अपने आप होने लगेगा तुम्हारा। अभी तक तुमने स्वरूप की प्रशंसा नहीं की, स्वरूप को पहचाना नहीं। भगवान को जाकर देखते हो, बोले धन्य हो धन्य हो। अरे वो पद्मासन बैठे हैं, वो बताते हैं ऐसे आसन में बैठ जाओ तुम सुखी हो जाओगे। जगत को देखना बंद कर दो, जगत से बोलना बंद कर दो, अपने आप में आ जाओ, जगत पूज्य हो जाओगे। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। हम रोज़ पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं शब्दों से, लेकिन हमारे अंदर प्रथमानियों को पढ़कर भी वैराग्य नहीं आता है। राजा मधु आदि युद्ध स्थल में भी दीक्षा ले लेते हैं तो शत्रुता मिट जाती है, शत्रुगण उनके चरणों में जाकर नमस्कार कर देते हैं। हमारे जीवन की शत्रुता नहीं मिटती है, शत्रु को मिटाने में अपने आप को मिटा लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कंस ने कृष्ण को मिटाने की कोशिश की, काश शत्रुता मिटा देता तो मामा की तरह हमेशा प्यार का रिश्ता बना रहता।
लेकिन हम प्यार का रिश्ता नहीं जानते, हम सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता जानते हैं, और जो प्यार का रिश्ता जानते हैं वो एक दिन परमात्मा हो जाते हैं। तो हम और आप सब परमात्मा बने, इसलिए प्यार के रिश्तों को यूँ बना कर रखा जाए, प्यार के रिश्तों को यूँ बना के रखा जाए जिसे आखिरी सांस तक निभाए जाए। एक ही किंच जगह के लिए, एक ही किंच जगह के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, कोर्ट कचहरियों में केस चलते हैं, मर्डर हो जाते हैं। कभी विचार करके देखना, ये ज़मीन साथ जाती है क्या? ये तीन झगड़े की जड़ हैं, जड़ जोरू और ज़मीन। जड़ के पीछे आप सबको पता है कितना झगड़ा किया है पांडव और कौरवों ने, फिर भी पांडवों के जीवन में समता थी तो उन्हें संपत्ति भी मिली, सत्ता भी मिली, और अंतिम में सत्य शिव पद भी मिला। और जिनके जीवन में अशांति थी, विरोध था, विक्षब्धता थी, उन्हें कुछ नहीं मिला। आप भी अपने जीवन में विक्षिप्तता मत रखो। जीवन में चेहरों पर आपकी जो सुंदरता दिखती वो आपकी नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर का कमाल है। आप नकली चेहरे बहुत लगा रखे हैं, नकली चेहरे इतने लगा रखे हैं कि अब असली चेहरा समझ में नहीं आता। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर मंदे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर आदमी परमात्मा को धोखा देने चला जाता है। मुट्ठी भर चावल ले जाएगा, सस्ते चावल ले जाएगा, और फिर परमात्मा से उत्कृष्ट पद चाहेगा। अरे खाते हो वैसा चढ़ाया तो करो, और चढ़ाने में भी इतना हिसाब लगाता है कि इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, कौन खाएगा, इसको चिड़ियों को डालना, माली को नहीं देना, ये इतना हिसाब क्यों लगाते हो? तुमने चढ़ा दिया, तुमने अर्पण कर दिया, फिर क्या सोचते हो? तुम प्रेमी को गिफ्ट देकर सोचते हो क्या कि मेरा गिफ्ट कहाँ रखेगा, इतना महंगा है, ठीक से रख पाएगा नहीं रख पाएगा? उसे देते समय तुम लाखों का गिफ्ट दे देते हो, विचार नहीं करते हो? समधी को इतना सोना दे देते हो, इतने पैसा दे देते हो, इतना खाना दे देते हो, इतना शादी में खर्च करते हो, फिर हिसाब नहीं लगाते हो तुमने किस किस को खिलाया, तुमने कहाँ कहाँ मेरा पैसा यूज किया, तुम्हें दे रहा हूँ तुम क्या करोगे, इसका हिसाब नहीं लगता? और तीन लोग के नाथ को जो अर्पण कर दिया, प्रेम से अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, उसके बारे में इतना दिमाग लगाते हो? अरे इतना दिमाग मत लगाया करो, हर चीज़ प्रेम से करना सीखो तो प्रेम तुम्हारी, हर प्रेम तुम्हारा पूजा हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं दिन भर तुम मंदिर में बैठे रहो। मैं तो कहती तुम्हारा दुकान मंदिर हो जाए, तुम्हारा व्यापार माला हो जाए। इतना ही तो अंतर है कि अभी नोट गिनते थे, अपने परिणामों को गिनने लगो, उस दिन तुम परमात्मा हो जाओगे। प्रेम से जीने की कला सीखो, क्योंकि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, और प्रेम से पाषाण को भी तराशो तो वो भगवान बना देता है। परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जगत का लो। पत्थर एक खदान से निकलता है लेकिन चक्की बन जाता है, खाना प्रारंभ कर देता है, मुंह खोल देता है तो लोग दाना भी नहीं छोड़ते हैं, और जो मूर्ति बन जाता है उस पर लोग आकर चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। तुम चक्की हो, आज लाओ लाओ खाओ खाओ, बस इतनी योजनाएँ के अलावा तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा। कहीं से लाओ और कुछ भी खाओ, कहीं भी खाओ, कब भी खाओ, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन गया। इसलिए जीवन में तुम इतने परेशान हो, वास्तव में कब खाना, क्या लाना और किन परिणामों से लाना, ये सब विचार करोगे। और कहा था जर जोरू और जमीन, तो जमीन के पीछे पांडव और कौरव मरे। और लोग कहते हैं रामचंद्र जी ने रावण को मारा। मैंने कि रामचंद्र जी को यदि धर्म पत्नी प्यारी थी, भले वो द्वेष रूप में समझो, लेकिन रावण को भी दुश्मनी तो नहीं थी सीता से। रावण भी तो यही चाहता था कि सुंदरी मेरी पत्नी बन जाए, लेकिन राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक होते। जिससे राग होता है उससे द्वेष भी होता है। सीता से राग था इसलिए रावण से द्वेष था, लेकिन रावण को सीता से ही राग था इसलिए राम से द्वेष था। क्योंकि आप जानते हैं कोई किसी की चीज़ हो और आपका नियत हो तो आप हमेशा सोचते हैं कैसे हो कि इससे मुझे मिल जाए। तो आप अपने जीवन में द्वेष को तो हटाना जानते हैं, द्वेष को पहचानते हैं, लेकिन राग मीठा जहर है, उसे पहचानने की कला आ जाएगी तो तुम वीतराग बन जाओगे, और वीतराग बन जाओगे तो वास्तव में तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, और संपत्ति
तुम्हारे चरणों में आकर दासी हो जाएगी, क्योंकि संपत्ति तीन लोक की संपत्ति तीर्थंकर के जन्म के पहले आ जाती है। स्वर्ग की संपत्ति जमीन पर आ जाती है और जमीन पर आने का जीवन भर बालपने में भोजन और वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, और जब दीक्षा लेने के लिए तैयार होते तो पालकी आ जाती है, रत्नों में पालकी आ जाती है। जिस शिला पर बैठ जाते वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है, और जहाँ से निर्वाण हो जाए वो तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। तो आप सब लोग भी अपने जीवन को तीर्थ बनाएंगे, आर्त और ध्यान का स्तर नहीं बनाए, यही मेरा आशीर्वाद है। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। आपकी ज़िंदगी भी सुंदर काम करे, सुंदर नाम अपने आप हो जाएगा। नाम की चिंता मत करना, काम अच्छा होगा तो तुम्हारा नाम लेने से भी लोगों की काम हो जाए, ऐसा नाम करो, यही मेरा सुभाष। भगवान की जय। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवय। कहते भी हैं कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए सब वा पाए बोराए, कि वास्तव में मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं लगती है और हमें सपना सच्चा लगता है, और सपने जब टूटते हैं तो बहुत आघात लगता है। हर आदमी कहता है मेरी ज़िंदगी में उदासी है। उदासी क्यों है? क्योंकि तुमने दूसरों को अपना माना था, दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की थी, दूसरों पर हुकूमत चलाने की कोशिश की थी, तुम स्वयं को नहीं पहचान पाए, यही दुख का कारण है। और वो है मोह, क्योंकि मैं हूँ ये सुख का कारण है, और ये मेरे हैं और मैं ही दुख का कारण हूँ। जिस समय पुद्गल पदार्थों को मानते हैं, बाहरी वस्तुओं को, पदार्थों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को अपना मानते हैं तो दुख का कारण हो जाता है, और अपने आप को मानते हैं तो सुख का कारण हो जाता है। क्योंकि मुझे कोई सुख दे सकता है, दुख दे सकता है, ये सब बाहरी बातें हैं, और मुझे कोई दुख देने का प्रयास कर सकता है लेकिन दुख नहीं दे सकता है। जिस दिन ज्ञानी का ज्ञान जगता है, मोह टूटता है, उस समय सच्चाई दिख जाती है। क्योंकि कहते सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वास्तव में जीवन की यही हकीकत है। हम कहते मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा रूप, मेरी नौकरी, मेरा पद प्रतिष्ठा हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ कुछ नहीं है मेरा। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आँख निगोड़ी। जीवन भर में क्या ले जाता है आदमी, क्या लाता है? कभी सोचा इतना लाता है, इतना इकट्ठा करता है और खाली चला जाता है, ये जीवन की उपलब्धि है क्या? इसी सपने के लिए इतना प्रयास किया था जन्म जन्मांतरों में, परमात्मा से प्रार्थना की थी, उपासना की थी, वेद पुराण कुरान सब यही कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अरे जिस दुर्लभता से प्राप्त की थी, जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया था, जिस दुर्लभ स्थिति को प्राप्त किया था, उसको कौड़ियों में गंवा दिया। बड़ी सुंदर लाइनें कही है, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। जिस संपत्ति पर तुम अतराते हो वो बेस्या के पास भी होती है, वो कसाई के पास भी होती है, वो आतंकियों के पास भी होती है, वो मार काट करने वालों के पास भी होती है, लेकिन वो संपत्ति उन्हें चैन से जीने नहीं देती है। और बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान में आपकी चरण सानिध्य के बिना, आपके सानिध्य से मैं चक्रवर्ती नहीं, मैं भिखारी होना भी पसंद करता हूँ। दर्शन पाठ में बड़ी सुंदर बात कही है कि मैं जन्म जन्म में आपका भक्त होकर भिखारी होना भी पसंद करूँगा, लेकिन मैं आपके चरण सानिध्य के बिना, आपका भक्त ना रहे ऐसा मुझे चक्रवर्ती पना भी नहीं चाहिए। कभी तुमने सोचा? तुम सब चाहते हो लेकिन परमात्मा पद नहीं चाहते हो, तुम सब चाहते हो लेकिन परमात्मा से शिकायत करने पहुंच जाते हो। उसने इतना दिया, कभी धन्यवाद तुमने नहीं दिया, और जो कुछ नहीं दिया उसका शिकायतों का पुलंदा लेकर पहुँच जाते हो कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया। अरे कभी सोचा करो कि तुमने जो दिया उसका क्या उपयोग किया?
तुम्हें तन दिया, तुम्हें मन दिया, तुम्हें धन दिया, तुम्हें समय दिया, तुम्हें संपत्ति दी, तुम्हें संबंधी दिए, तुमने क्या उपयोग किया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुकमणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212-0010-11-772-77, IFSC PUN B00212-00। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ तीन चार गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी, अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।